हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। और फाइनली वो लम्हा आ गया है जिसका सारे भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। इंडिया टीम ने बहुत ही कन्विंसिंगली अपना सेमीफाइनल मैच जीत लिया और एक धुआंधार परफॉर्मेंस, पहले बैटिंग के साथ विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का सेंचुरी और केएल राहुल की आखिर में वो धुआंधार पारी जिसके बदौलत भारत 397 रन्स कर गया, ऑलमोस्ट 400। न्यूजीलैंड बीच में थोड़ा सा डर लगा जब डैरिल मिचेल और केन विलियमसन एक अच्छी साझेदारी बना रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल ही जैसा एक सेमीफाइनल होना चाहिए था वैसा सेमीफाइनल हुआ। वन साइडेड हो जाता तब भी शायद मज़ा नहीं आता, थोड़ी देर के लिए सांसें थमी भारतीय क्रिकेट फैंस की, लेकिन फाइनली इंडिया ने ये जो इतना बड़ा एक विशाल टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रखा हुआ था उसको न्यूजीलैंड नहीं चेस कर पाई जैसा कि लग भी रहा था। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम मोहम्मद शमी विद 7 विकेट्स एंड गाइस ही वाज नॉट इवन इन द प्लेइंग 11 इनिशियली। पहले 3-4 मैच उनको जब नहीं खिलाए गए उसके बाद जब वो आते हैं टीम में तो इस तरह का परफॉर्मेंस, और अब वो लीडिंग विकेट टेकर हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। इवन आधे मैच खेले हैं उन्होंने, जो सेकंड नंबर पे विकेट टेकर है एडम जैम्पा उनसे आधे मैच खेले हैं ऑलमोस्ट, और उनसे ज़्यादा विकेट्स उनके हो गए हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा किस किस बारे में बात करूं, इतना कुछ है बात करने को। कोहली की सेंचुरी, कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर के सामने, सचिन तेंदुलकर के होम ग्राउंड पे बड़े बड़े सितारे मौजूद थे आज, बॉलीवुड से लेके फुटबॉल के लेजेंड्स डेविड बेकहम, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश अंबानी और जय शाह तो होते ही हैं हमेशा, एंड जॉन इब्राहिम वहाँ पे थे, रणबीर कपूर, कौन नहीं था। सो everyone was there, everyone wanted to witness this thing, और इंडिया का जो एक जिंक्स था कि न्यूजीलैंड से हमेशा हार जाते हैं वो फाइनली इंडिया ने तोड़ दिया और एक शान से पहुंचे हैं अहमदाबाद में अब फाइनल के लिए। अब फाइनल में इंडिया किसके अगेंस्ट खेलेगा, खैर वो तो कल डिसाइड होगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद, लेकिन जो भी पहुंचे मैं सच बताऊँ आपको, मुझे पर्सनली डर इसी मैच का था कि कहीं न्यूजीलैंड से इंडिया ना हार जाए, क्योंकि फाइनल में अब साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से जो भी आएगा हमें उससे कोई डर नहीं है। इंडिया अब मुझे यकीन है कि बहुत कन्विंसिंगली वो मैच जीत जाएगा और इस बार अब इंडिया का वर्ल्ड कप ये है, ये मुझे यकीन हो गया है। और फाइनल में कहीं मत जाइएगा, आपके लिए स्पेशल कवरेज लेके आएंगे अहमदाबाद से, मैं खुद आपके लिए लाइव कवरेज लेके आऊँगा अहमदाबाद से, व्लॉग भी एक शायद शूट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, पर वहाँ स्टेडियम के बाहर का माहौल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है, बिल्कुल लाइव अपडेट्स आपको दिए जाएंगे फाइनल से पहले। सो बहुत बहुत बधाई सारे इंडियन फैंस को, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। अगर एक मैं फिर भी कहूं कि अगर एक जगह जो थोड़ी सी इंडिया को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, फाइनल में अभी 4 दिन है, ये गलती थोड़ी सी सुधार ले कि मोहम्मद सिराज जो बहुत ज़्यादा रन लुटा रहे हैं, अगर टीम इंडिया देख ले कि उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को, क्या वो खिला सकते हैं? मुझे पता है इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे वो सीधा फाइनल में, कि एक ऐसे प्लेयर जिसको ने एक भी मैच नहीं खेला उसको सीधा फाइनल में खिला दें, लेकिन मोहम्मद सिराज के ऊपर ज़रूर काम करें इन 4 दिन में, नेट में बॉलिंग कराएं, प्रसिद्ध कृष्णा को भी एट द सेम टाइम वो रेडी रखें नेट्स में कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको अभी सिलेक्शन हो सके। दूसरी तरफ थोड़े से क्रैम्प्स आए आज शुभमन गिल को, विराट कोहली को, लेकिन आई होप कि वो सिर्फ एक माइन्यूट से क्रैम्प ही होंगे और फाइनल में एक बार फिर से हमको टीम इंडिया की धुआंधार बैटिंग देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा जैसा कि हमें उम्मीद की थी, स्टार्टिंग से उन्होंने टोन सेट किया और धुआंधार बैटिंग की, उसके बाद जब विराट कोहली आए उनका वही एंकरिंग रोल, धीरे धीरे उन्होंने पारी को बढ़ाया, और जब विराट कोहली आए तो शुभमन गिल ने सेम रोल ले लिया वीरेंद्र सहवाग, सॉरी वीरेंद्र सहवाग, देखिए मुझे भी क्या याद आ रहा है वीरेंद्र सहवाग, लेकिन ये सच बात है कि रोहित शर्मा बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग वाला रोल अदा कर रहे हैं जो 2011 के वर्ल्ड कप में वीरेंद्र सहवाग अदा किया करते थे, और अब तो मुंह से निकल भी गया है वीरेंद्र सहवाग, तो ज़रूर ये 2011 की चैंपियन टीम के खिलाड़ी का नाम निकला है, तो ये टीम भी चैंपियन बन के निकलेगी। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उठाएंगे 19 नवंबर को, मुझे पूरा यकीन है, और सारे भारतीय फैंस उस दिन खुशी मनाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रूम के बाहर यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी वीडियो में, पता नहीं, बट बहुत ही इस समय खुशनुमा माहौल है। फाइनली फाइनली वी आर गेटिंग टू वॉच टीम इंडिया इन द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर। 2011 के बाद इंडिया लगातार 2 बार सेमीफाइनल में हारा, लेकिन फाइनली अब पहुँच गए हैं। एक छोटा सा रिप्लाई करूंगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का मैं देख रहा हूं कि रोना फिर से लग गया है कि पिच चेंज हो गई, ये हो गया, पुरानी पिच पे क्यों खोला। अरे भाई मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं यार, तुम अफगानिस्तान से हार गए, शर्म कर लो यार, थोड़ी बंदे के पुत्र बनो यार, तुम्हारी भाषा में कह रहा हूं, बंदे दे पुत्र बनो, बंदे दे पुत्र हैं।
ये इस तरह के आरआर करने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे आरआर क्या होता है, खैर जिनको पता है वो समझ ही गए होंगे, ये पाकिस्तान की हॉबी है कि कोई भी मैच हारें और इंडिया जीत जाए तो उनसे हजम नहीं होता, फिर वो आरआर करते हैं। तो बस पाकिस्तान को ये कहेंगे कि देखिए कभी कभी पड़ोसियों की खुशी में भी खुश हो लीजिए करिए, थोड़ा आपका हाजमा सही रहेगा, थोड़ी आपकी तबीयत सही रहेगी। और बाबर आजम जो घंटे का किंग बना हुआ था उसको कैप्टेंसी से निकाल दिया गया है और पूरा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब नए सिरे से बना रहे हैं। तो खैर अभी उनके मनहूस लोगों की बातें नहीं करना चाहता मैं, वो बहुत ही उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं वो आजकल। तो खैर टीम इंडिया पहुंची है और इसी तरह हम सपोर्ट करने पहुंचेंगे टीम इंडिया को फाइनल में अहमदाबाद में। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया। आई विल सी यू ऑन 19th of November जब इंडिया टीम खेलेगी अहमदाबाद में और हम लेके आएंगे आपके लिए लाइव कवरेज। टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस टाइम and enjoy.